Hello and welcome to Health Fire Media. It's Neha Kumari with you, and you're watching our very exclusive interactive session. In today's session, we have a very special guest who have joined us, Dr. Manoj Sharma, who is a senior consultant at Fortis Hospital, New Delhi. आज हम इस सेशन में कोरोना के उस वेरिएंट के बारे में बात करने वाले हैं जिसने देश और दुनिया पे हरकंप मचाया हुआ है. WHO ने इसे रिसेंटली ओमिक्रॉन का नाम दिया है. ये एक ऐसा वेरिएंट है, कहा जा रहा है कि ये डेल्टा वेरिएंट के बाद ऐसा दूसरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक वेरिएंट सामने आ रहा है. एम्स ने भी इसको लेकर अलर्ट जारी की है और तमाम देश और हमारे देश में भी ट्रैवल बैन्स या फिर न्यू गाइडलाइंस, जो ट्रैवल गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई है. आशंका ये जताई जा रही है कि इस पर वैक्सीन, ये वेरियंट वैक्सीन को भी इवेड कर सकता है. तो चलिए आज जान लेते हैं इसके बारे में. हमारे मन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस और जरूर ऐसे कंफ्यूजन्स होंगे इस वेरिएंट को लेकर कि क्या हम करें, क्या नहीं करें, अब इससे कैसे बचा जाए. तो हमारे साथ डॉक्टर मनोज जुड़ चुके हैं इसके बारे में हमें इंसाइट्स देने के लिए. थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम. सर प्लीज हमें बताइए कि व्हाट तो ये ओमिक्रॉन वेरियंट है क्या, या क्या इसको लेकर क्या ऐसा हसल मचा हुआ है देश और दुनिया में. जहां तक कोविड का सवाल है, इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स आए. सो इसमें एक समझने की चीज ये है कि जो वेरिएंट्स होते हैं उसकी दो कैटेगरी होती है. एक होता है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट एंड दूसरी कैटेगरी होती है वेरिएंट ऑफ कंसर्न. तो एक वेरिएंट आया कोई भी, तो उसमें बहुत सारा उससे ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, बहुत सारे जो सवाल होते हैं, साइंटिफिक क्वेश्चन होते हैं. उसका रीजन ये है कि इस वायरस में जो स्पाइक प्रोटीन पे जो म्यूटेशन थे वो 30 है, अराउंड 30. सो विच इज वेरी, हाँ, बहुत बड़ा नंबर है. सो पोटेंशियली पोटेंशियली काफी चीजें हैं जो इसकी वजह से इन टर्म्स ऑफ स्प्रेड बहुत जल्दी फैल सकता है. लिथलिटी क्या होगी या नहीं होगी ये अभी पता नहीं है, पहली चीज. तो इससे अभी बहुत ज्यादा हड़कंप मचाने की या डरने की बहुत ज्यादा आवश्यकता अभी नहीं है. वो बात अलग है कि हमें अपनी तरफ से सारी सावधानियां रखनी चाहिए. अदरवाइज ऑल्सो जो कोविड के जो कोई भी वेरिएंट हो उसमें हमें जो सावधानी रखनी चाहिए वो रखना है. जहां तक वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का सवाल है, जिस कैटेगरी में ये अभी वायरस या वेरिएंट ओमिक्रॉन को रखा हुआ है, तो उसमें यही है कि बहुत सारे इसमें म्यूटेशन है, हो सकता है आगे जाके ये बहुत तेजी से स्प्रेड करे, मॉर्टेलिटी कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, वैक्सीन के रिस्पॉन्स को ये इवेट कर सकता है, चाहे वो वैक्सीन का हो या प्रीवियस इन्फेक्शन का जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको इवेट कर सकता है. लेकिन अभी तक जो डाटा हमारे सामने आया है, पहली चीज, अभी तक कोई भी मॉर्टेलिटी ओमिक्रॉन की वजह से रिपोर्टेड नहीं है. जो एंटरिम डाटा आया था शुरुआती जिन पेशेंट्स में, साउथ अफ्रीका में 19 मरीजों में जिनमें ओमिक्रॉन वेरियंट देखा गया, उनमें से 16 एसिम्प्टोमेटिक थे. जी राइट, पोटेंशियली स्प्रेड ज्यादा हो सकता है या हो भी रहा हो, लेकिन किसी भी वेरिएंट को कम से कम जब तक 6 वीक्स इज मिनिमम पीरियड, जब तक उसके बिहेवियर को ना देखा जाए, जब तक उसको स्टडी ना किया जाए, अभी तब तक इतना डाटा नहीं होता है हमारे पास कि हम बहुत निश्चितता के साथ ये बता सकें कि ये वायरस खतरनाक होगा या नहीं होगा. लेकिन अभी तक जो भी कुछ हमारे सामने जो प्रूफ्स हैं उसके हिसाब से स्प्रेड हुआ है. डेल्टा से पोटेंशियली ज्यादा तेज स्प्रेड हो सकता है, लेकिन मोर्टेलिटी या तो सीवियरिटी की बात करें या हम मृत्यु दर की बात करें, वो इस वेरिएंट में अभी तक ज्यादा नहीं देखा गया है. सो डेफिनेटली इट इज ए वेरिएंट ऑफ कंसर्न, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, बट अभी भी इसको हम वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में नहीं रखा है WHO ने. जी 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 सर, एक अभी सरकार ने रिसेंटली जीनोम सीक्वेंसिंग की बात की है, जीनोम टेस्टिंग की बात की है कि जो भी साउथ अफ्रीका या बाहर के देशों से आ रहे हैं उनका जो है RT-PCR टेस्ट के थ्रू ये पता लग पाएगा, जो एम्स एसिम्प्टोमेटिक भी है उनका भी पता लग पाएगा कि ओमिक्रॉन है या नहीं, और जीनोम सीक्वेंसिंग के थ्रू किस तरह से हमें ये पता चलेगा. RT-PCR एक ब्रॉड बेस्ड टेस्ट है जिससे हमें ये पता चलता है कि पेशेंट में कोविड इन्फेक्शन है या नहीं है. तो अगर हम RT-PCR से ये बात करें कि ये पता लगेगा उससे अल्फा वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट है या ओमिक्रॉन वेरिएंट है या कोई भी दूसरा वेरिएंट है, ये RT-PCR से पता नहीं लगता है. जहां तक जीनोमिक सीक्वेंसिंग होती है उसके लिए बहुत ही हाई एंड लैब्स चाहिए,
स्टेट ऑफ आर्ट लैब चाहिए, और जो सिर्फ गवर्नमेंट सेटअप से ही पॉसिबल है, प्राइवेट में पॉसिबल नहीं होती है। तो हमारे यहाँ जो पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है वो इस पे काफी डिटेल स्टडी करता है। सो अभी जितने भी ट्रेवलर्स आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, खासकर उन कंट्री से जहाँ पे ओमिक्रॉन वेरिएंट देखा गया है, तो सरकार इसमें खास सावधानी बरत रही है कि सारे ट्रेवलर्स की स्क्रीनिंग की जाए आरटीपीसीआर से, और सभी का आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहा है। फिर उन पेशेंट्स में जिसका भी पॉजिटिव टेस्ट आएगा उसको फर्दर जीनोमिक सिक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा, ये देखने के लिए कि वो ओमिक्रॉन तो नहीं है। अभी तक फॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में एक भी ओमिक्रॉन अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है, ये भी एक पॉजिटिव चीज है। और जिन कंट्रीज में रिपोर्ट हुआ है वहाँ अभी कोई मृत्यु दर ज्यादा देखने को नहीं मिली है, दैट इज अगेन अ वेरी पॉजिटिव साइन। ओके सर, ये जैसे ही ये खबर हमारे हम तक पहुंची या लोगों तक पहुंची, तो लोग इंटरनेट पे सबसे पहले यही सर्च कर रहे थे कि वैक्सीन्स आर वैक्सीन्स इफेक्टिव रिगार्डिंग दिस अगेंस्ट दिस वायरस और नॉट, और दिस वेरिएंट और नॉट, जो हमने जो वैक्सीन लगाई है वो कितना इफेक्टिव है, या क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि ये वैक्सीन्स भी इसके सामने काफी कमजोर पड़ जाएगी, या ऐसा कहा जा रहा है। जो वैक्सीन्स का रिस्पॉन्स है उसको अगर हम सिर्फ एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स नहीं होता है, तो हमारे बॉडी में नेचुरल किलर सेल्स होती हैं एंड टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सो देयर आर लॉट मेनी अदर एस्पेक्ट ऑफ से प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम इधर वायरसेस और बैक्टीरिया, दे आर नॉट ओनली एंटीबॉडीज। जैसे हम किसी में बोले कि हमारा एंटीबॉडी टाइटर बहुत लो है, तो प्रॉब्ली हमारे लिए वैक्सीन बिल्कुल इनफेक्टिव रही, ये बोलना बहुत गलत है, क्योंकि इम्यूनोलॉजी में अभी भी हमारा विज्ञान काफी पीछे है, और ह्यूमन बॉडी किस तरह से इम्यून रिस्पॉन्स है वो पूरी तरह से नॉलेज नहीं है। एंड खासकर टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में बड़ा लिमिटेड हमारे पास स्टडीज है, खासकर कोविड को लेकर। सो ये बोलना कि ये वैक्सीन हमारी इफेक्टिव होंगी या नहीं होंगी, ये कहना भी अभी बड़ा मुश्किल है। दूसरा हमें वैक्सीन का ये समझने की जरूरत है कि अगर वैक्सीन इज नॉट ए शील्ड आउटसाइड द बॉडी, कि अगर किसी को भी इसे वैक्सीन लगा हुआ है तो ऐसा नहीं है कि वायरस उसके अंदर एंटर नहीं करेगा। अगर कोई भी कफ करता है, उसके सामने कुछ भी करता है, तो वायरस एंटर कर सकता है। वैक्सीन का पर्पज है हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, जिससे डिसीज सीवियरिटी कम हो, हमारा हॉस्पिटलाइजेशन रेट कम हो, आईसीयू में जाने का रेट कम हो, और मॉर्टेलिटी मृत्यु दर कम हो, ये वैक्सीन का पर्पज है। वैक्सीन किसी भी तरह की वैक्सीन, अगर हम ये बात करें कि वो वायरस या बैक्टीरिया से हमारे बॉडी के बाहर ही एक ऐसी शील्ड बना देगी कि अंदर नहीं घुसेगा, तो ऐसा नहीं है। जी, वैक्सीन का इफेक्ट कम हो सकता है परसेंटेज वाइज, जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा ही। पहली बार अभी हमें ये पता नहीं है कि ये जो वेरियंट है इसमें हमारी वैक्सीन कारगर होगी या नहीं होगी, कम होगी या ज्यादा होगी। अगर हम ये बात करें कि बिल्कुल कारगर नहीं, क्योंकि जो भी वैक्सीन हमने ली है, वेदर इट इज कोवैक्सीन और कोविशील्ड, उसका जो परसेंटेज ऑफ एफिकेसी है उसका परसेंट कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर ये बात करें कि वो बिल्कुल बेकार हो गई वैक्सीन, तो ऐसा नहीं। जी सर, इसके रिगार्डिंग आज सुबह ही आई थिंक कल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो सीईओ अदर पूनावाला जी ने कहा कि एक बूस्टर डोज की अप्रूवल के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट इशू की है ड्रग रेगुलेटर्स कंट्रोल को, तो इसके रिगार्डिंग आपको क्या लगता है कि कितनी जरूरत है हमें बूस्टर डोज की इस वक्त इस करंट सिचुएशन में? जनरली अगर हम वैक्सीन के इम्यूनिटी की बात करें, चाहे वो किल वैक्सीन है, लाइव वेटरनेटेड वैक्सीन है, बहुत सारे वैक्सीन है जिनका रिस्पॉन्स एक साल तक रहता है, कुछ एक वैक्सीन का 5 साल रहता है, कुछ वैक्सीन का लाइफ लॉन्ग रिस्पॉन्स भी रहता है। तो वो वायरसेस टू वायरसेस या फ्रॉम बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया डिफर करता है। अभी अनफॉर्चुनेटली कोविड एक नई बीमारी है जिसके बारे में बहुत डाटा पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है कि जो वैक्सीन की इफेक्टिविटी है वो कितने पीरियड के लिए होगी, ये किसी को नहीं पता है। अब ऐसे में जब ये खतरा होता है कि एक नई वेव आ सकती है, ओमिक्रॉन अगर मान लीजिए फैलता है, तो ऐसे में साइंटिफिकली अगर हम बात करें, हमारे पास ऐसा भी कोई प्रूफ नहीं है कि बूस्टर देना बहुत जरूरी है, लेकिन उस केस में हो सकता है कि हम बूस्टर के बारे में सोचें कि थर्ड वेव अगर बहुत ज्यादा वर्ल्ड में ओमिक्रॉन फैल रहा है, तो हो सकता है कि बूस्टर की भी बात हमारे यहाँ भी साइंटिफिक फ्रेटर्निटी या मेडिकल फ्रेटर्निटी में आए। लेकिन ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि बूस्टर बहुत जरूरी है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। और चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, मॉडर्ना फाइजर, हम ये नहीं बता सकते कि उन वैक्सीन की इफेक्टिविटी कितने ड्यूरेशन तक रहेगी, क्योंकि इतना लंबा हमारे पास डेटा नहीं है।
किसी भी वैक्सीन की इफेक्टिविटी कितने पीरियड रहेगी इसके लिए हमें टाइम चाहिए देखने के लिए। अब कोविड को तो अभी इतना टाइम ही नहीं हुआ, तो अभी ये बोलना कि ये वैक्सीन एक साल बाद काम नहीं करेगी ये भी कहना बड़ा डिफिकल्ट है। जी जी सर, इसके रिगार्डिंग और एक चीज, एक सवाल मेरे मन में ये है कि अगर ये जो वेरिएंट है ये कितना परसेंट या कितनी ज्यादा सीवियर इलनेस कॉज कर सकता है, या इसके लिए रिगार्डिंग इसके हमारे पास कोई ट्रीटमेंट अभी तक आई है क्या, या हम कुछ और आगे सोच रहे हैं? व्हाट इज आवर फ्यूचर एक्शन प्लान रिगार्डिंग दिस? See, as far as any viral illnesses or any epidemic is concerned, so yeah. Like most of the time, we have to take precautions as we had been taking earlier also, in case whether it was Delta virus or Delta variant or before that. So it is primarily the prevention, I mean, hand hygiene, masking, social distancing. These three things are most important, which yeah. are going to play a very, very important role and a crucial role, whether one is vaccinated or not vaccinated. That is one. Second thing is most of the vaccines, even if we say there are, say, few vaccines are 70% efficacy, having 70%, others having 85% or 90% efficacy. So we don't know which 5-10% we may fall in. So we yeah. have to take our precautions from our side. That is foremost thing. Yeah. Right. As far as preparation for this is concerned, now, whatever interim data we have from South Africa where this Omicron was detected initially. So as I said, 16 out of 19 patients who were detected having Omicron, so they had asymptomatic disease. And yeah. even in that region where this Omicron was reported initially, or rather the first one, so there had not been even a single mortality reported till date. So there is a lot of, scaremongering or... there's a lot of media scare as well going on. But, till we see the exact behavior of the virus, and which may take 6 to 8 weeks at least, then only it will be prudent to comment whether this virus is going to be really lethal. So, agar virus ko survive karna hai, sabse zaruri cheez hai ki human survive kare. So, aise mein unme jo mutations hoti hai, long run mein, most of the virus, they become less virulent. Unki modern, they can also survive in the environment. Agar host hi mar jayega, to वायरस का भी सर्वाइवल खत्म है। तो हर कोई अपना सर्वाइवल चलता है, कोई भी से वेदर इट इज वायरस बैक्टीरिया और ह्यूमंस और एनी एनिमल्स, ऑल से रेसेस वांट टू स्टे अलाइव। सो फॉर देम टू रिमेन अलाइव, ह्यूमंस हैव टू रिमेन अलाइव। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वायरसेस हैव टू लाइक डिमिनिश इन टर्म्स ऑफ मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी एज वेल, देन ओनली दोस वायरसेस। सो मे बी कि ये वेरिएंट आया है, हो सकता है हम इससे बहुत डरे हुए हैं और दूसरी तरह से सोचे कि हो सकता है बहुत अच्छा हो कि स्प्रेड हो, लेकिन सिम्टम्स नहीं हो रहे हैं और उससे इम्यूनिटी भी मिल रही है। और जो डेल्टा वायरस था जो हमारे आया था से अप्रैल मई में, जिसमें बहुत ज्यादा हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है बहुत ओवर बर्डन हुआ, हो सकता है मॉर्टेलिटी भी हुई कि से वी आर स्केयर्ड ऑफ दिस ओमिक्रॉन वेरियंट। ऑन द कंट्री कैन बी बेनिफिशियल ऑल्सो। Yeah. Say this virus maybe like if it is spreading faster than Delta, then also if it is causing less severe illness and is giving just symptoms of cold cough or remains asymptomatic and people get infected, then in a way it will provide immunity against any COVID virus for that matter. Or if it replaces Delta variant, which was lethal, so yeah. we will be it will be a fortunate thing for us. So we should not look at Omicron variant as it is going to be more dangerous or having put more burden on healthcare. On the contrary, it can be a boon in disguise. We really don't know the behavior of the virus as of now. So it is better, it will be more prudent to wait and watch at least for 6 to 8 weeks, specifically in the regions where it has already spread initially. Yeah. ओके बट सर, अभी जो करंट हमारे पास ट्रीटमेंट्स है कोविड को रिलेटेड, क्या ये ट्रीटमेंट्स इस वेरिएंट पे भी काम करेगा अगर हमें ऐसा फेस करना पड़े? कोविड के बारे में अगर हम बात करें, बीट इनिशियल फेज और लास्ट ईयर और दिस अप्रैल में वी फेस कोविड ट्रीटमेंट इज टिल नाउ व्हाटएवर एविडेंस वी हैव, ट्रीटमेंट इज एंटायरली सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव। जितने भी ड्रग्स थे जो विच वर यूज, मोस्ट ऑफ देम हैड बीन
of not really much utility, whether we talk of in terms of remdesivir or like not many things, doxycycline and ivermectin, lot many things are proposed. But in studies, all of them failed to show any evidence in terms of benefit. Yeah. Now, this antibiotic cocktail is there, which is approved for, it is a costly therapy, single patient therapy will cost somewhere around 60,000. That's a big cost in a developing country like us. So that's the only thing against, with which we have a little proof of data, like it is beneficial. Rest, everything, whatever had been tried in past, were not of much benefit. The only things which were benefit were, say, oxygen supplement, steroids, and blood thinners. These are the only three things which were of some utility. Okay. So as far as treatments are concerned, we did not have much really effective drugs earlier also, and same remains right now also. Okay. And we could manage very effectively with the options already available with us previously also, in terms of steroids and blood thinners and oxygen, and treatment of COVID more or less had been entirely symptomatic and supportive, and which is going to remain. There are certain drugs, like old drugs like molnupiravir and all, so they are being in pipeline. They are still not available in the market as of now. So earlier also the treatment mainly was symptomatic and supportive, that was primarily judicious use of steroids, then blood thinners, oxygen support, and in lot many cases, majority of the cases, up to 80% of the cases, did not require anything. All what was required is just paracetamol, a lot of liquids, and monitoring of symptoms and all. So maybe with Omicron also, probably the treatment plan by and large is going to remain more or less the same what we have been doing with Delta variant. Yeah. I don't see any new changes as of now. Okay. The one last thing which I want to know from you is that abhi to kafi log matlab after vaccinated people have started taking all this thing very lightly, the masking up or sanitization or the proper precautions. So how to how should we put up our guards for the protection against this current variant? See, whatever symptoms we, whatever treatment options we had earlier, they are going to remain more or less the same. And we have become little careless or casual in terms of not wearing our mask properly or taking care of hand hygiene. Then we should avoid going to crowded places, specifically covered places. Open places are still open. It's still okay. But we should avoid going to crowded places. And if we are using our mask properly, then that's effective than anything else in the world. It is the proper masking and hand hygiene which is going to protect us from this virus, be it any variant. Yeah. Thank you so much for giving this, insights for our audience. I think we have got a lot of insights about this current variant, new variant, and how you should take care of yourself. Please put on your masks and do not be careless or casual because it's dangerous, and still we are not over it. So thank you so much, sir, for giving us your previous time and talking about this topic. Thank you so much, sir. Thank you.